अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आप जान चुके, मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफताब। आगाज करते हैं लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं। उन्हें इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 रुकनी नए मेडिकल बोर्ड ने मियां साहिब की हिस्ट्री मालूम की। डॉक्टर्स ने इब्तदाई तौर पर शुगर और ब्लड टेस्ट भी किया। अस्पताल जराए के मुताबिक नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट होंगे, जरूरत पड़ने पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी ले जाया जाएगा। इस पर देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। दिल की खराबी पर नवाज शरीफ जेल से अस्पताल पहुंच गए। सर्विसेज अस्पताल के खसूसी कमरे में जेरे इलाज। 3 रुकनी नए मेडिकल बोर्ड ने साबिक वजीर आजम की मेडिकल हिस्ट्री मालूम की। इब्तदाई तौर पर नवाज शरीफ का शुगर और ब्लड टेस्ट किया गया। इससे पहले खसूसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने अस्पताल मुंतकली की मंजूरी दी। नवाज शरीफ को सिक्योरिटी के हसार में कोट लखपत जेल से निकाला गया। सर्विसेज अस्पताल के बाहर और अंदर भी सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल सिम्स डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनके तमाम टेस्ट होंगे और रिपोर्ट्स आने तक वो वहीं रहेंगे। जरूरत पड़ने पर मुआयने के लिए PIC भी ले जाया जा सकेगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल के निचले हिस्से में खून का बहाव मामूल के मुताबिक नहीं और उन्हें इलाज की फौरी जरूरत है। कायद से इजहार यकजहती के लिए मतवाले सर्विसेज अस्पताल पहुंचे और नारेबाजी करते रहे। कैमरा टीम और रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं नवाज शरीफ के इलाज में हुकूमती इंतकाम की बू आई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। गालियां देने से मईशत ठीक नहीं होगी। अगर हुकूमत करनी नहीं आती तो कौम से माफी मांगकर बनी गाला जाएं और अल्लाह अल्लाह करें। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। नवाज शरीफ के इलाज मुआलजे के ऊपर अगर हुकूमत ने इसके इकदाम से इंतकाम की बू आई तो ये जिम्मेदार होंगे। आपकी मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है। गालियां देने से 5 महीने में मईशत संभल गई है। 5 महीने बाद नए साहब आपको होश आई है कि मईशत ठीक नहीं है। फिर फौर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हुक्मरानों की जान मैं छोड़ूंगा नहीं। हुकूमत गिराने का हमें कोई शौक नहीं है। इस झूठ के वजन से आपकी हुकूमत खुद ही अपना जो है वो जमीन बोस हो जाएगी। 63% इजाफा कर दिया हज के कराऊ में। NRO की बात करते थे आप, NRO तो आपने अलीमा खान को दिया है, उसके लिए बाकायदा आप असेंबली में कानून लेके आए। शेख रशीद साहब को अल्लाह ताला हिदायत, अगर नहीं चलता पाकिस्तान तो कंटेनर पर जाकर चढ़ें, मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाएं, कौम से खिताब करें, माफी मांगे और घर जाकर बनी गाला में अल्लाह अल्लाह करें। नवाज शरीफ की अस्पताल मुंतकली पर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 3 शिफ्टों में 80 अहलकार तैनात किए जाएंगे। हुकूमत के मुकर्रर करदा डॉक्टर्स को ही कमरे तक रसाई हासिल होगी। पुलिस के मुताबिक SP मॉडल टाउन अली वसीम को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अस्पताल मुंतकली पर सिक्योरिटी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। एलीट फोर्स और सादा लिबास अहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा। नवाज शरीफ के कमरे पर डॉक्टर्स और मुलाकातियों की 3 मकामात पर चेकिंग होगी, जबकि नवाज शरीफ के कमरे को सब जेल डिक्लेयर किया जाएगा। फवाद चौधरी ने एक बार फिर ऑपोजिशन पर बाउंसर्स बरसा दिए। दावा किया कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अस्पताल पसंद नहीं आ रहे। जिस तरह की जेल शहबाज शरीफ और साद रफीक को मिली हुई है, अगर अवाम को मालूम हो जाए तो आधे पाकिस्तानी जेल जाने की ख्वाहिश करेंगे। वो गुजरांवाला में जलसे से खिताब कर रहे थे। अपोजिशन की जमाते का हाल वही है जो जेल में होने वाली नमाज का होता है। कातिल अजान दे रहा होता है, डाकू अमामत करा रहा होता है और चोर सारे पीछे नमाजी। चोर पहले भी इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं। नवाज शरीफ साहब, उनको पाकिस्तान के अस्पताल पसंद नहीं आ रहे। आपको तो अभी भी VVIP स्टेटस मिला हुआ है। जिस तरह की जेल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, रफीक को मिली हुई है, आधे पाकिस्तानी कहेंगे हमें जेल में डाल दो। नवाज शरीफ साहब 4 दिन गिरफ्तार हुए, कहते मेरे दिल को कुछ हो गया, पूरा जेल ही 5-स्टार होटल बन जाती है। वो अब अस्पताल आ गए। ये हमारी हुकूमत है। सच्ची बात ये है कि गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है। जब तक नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, साद रफीक, इनके साथ जेलों में वही सलूक नहीं होगा जो आम आदमी के साथ होता है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती।
इनफ इज इनफ। बिलावल भुट्टो जरदारी की बड़े शहर में बड़ी बड़ी बातें, कहने लगे रेड लाइन क्रॉस करने वालों से निमटना जानते हैं, खोया हुआ मकाम वापस लेंगे। NICVD विफाक के पास था जो चंदे से चलता था, सिंध हुकूमत मुफ्त इलाज करवा रही है। इस मुल्क में जो जमहूरी स्पेस हमने बहुत मुश्किल से लिया है वो अंडरमाइन हुआ है, कोई कानूनी कवर के साथ अंडरमाइन हुए हैं। हमने अपना स्पेस अभी वापस लेना है। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। और अगर कोई भी रेड लाइंस को क्रॉस करते हैं तो फिर हम और अग्रेसिव अप्रोचेस लेते हैं। जब से सिंध हुकूमत के पास आया 100% मुफ्त इलाज हो गया। जब ये वफाक के साथ होता था उनको डोनेशंस मांगना पड़ता था और फिर भी बहुत महंगा तरीन इलाज। तो डील नाकाम हो रही है और डील 50-50 चल रही है। रेलवे के वजीर ने बड़ा दावा कर दिया, कहा इमरान खान क्लियर करें, दोनों जमातें डील कर रही हैं तो कौम को एतमाद में लिया जाए। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन PSC बनाना वजीर आजम की बड़ी गलती करार दे दिया। 23 केसों में मतलूब है शहबाज शरीफ, वो कौम का एहतसाब करेगा जी? इमरान खान ने ये ब्लंडर किया है। आप इमोरल PSC के हेड हैं, अखलाकी जुर्रत है देन लीव दिस पोस्ट। ये बुजदिल सियासतदान करप्शन के केसेस में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ओसामा बिन लादन का माल नहीं छोड़ा था। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूँ कि फिल फॉर शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां टाई जाए। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ इमरान खान से, कुछ पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां, कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही है? इसको कौन को इत्मीनान मिल गया? ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की डील कबूल है जनाब। डील इसी को कहते हैं, आ रही हूँ जा रही हूँ अस्पताल पट्टा चढ़ गया। ये तो हॉलीडे पे है, जेलों में है। बिलावल साहब उन्हें लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लॉन्ग वाचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये मुआजरा क्या है? शेख रशीद की वालिहाना मोहब्बत के जवाब में बिलावल भुट्टो राना सनाउल्ला बन गए। वजीर रेलवे को नापसंदीदा अलकाबात से नवाजा, उनके किरदार पर सख्त तनकीद भी की। दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा आप भी देखिए। मेरे बिलावल को इस्तेमाल किया तो मेरा मुझे बड़ा दुख होगा। शेख रशीद जो है पिंडी का शैतान है, शैतान है, नहीं नहीं उससे दोस्ती और मोहब्बत शुरू की, इंसान है, मुझसे रावल पिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे मगर इस इंसान के बारे में मत पूछ। फैसला होगा कबूल होगा जी, हम इनकी तरह नहीं रोंदू। शैतान है शेख रशीद, इज नॉट रोंदू। नवाज शरीफ ने NRO की बात की और ना ही कोई सहूलत मांगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने शेख रशीद के दावे को झुठला दिया। फवाद चौधरी भी वजीर रेलवे की बात से मुत्तफिक नहीं। वजीर खारजा कहते हैं डील नहीं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुकमुका हो रहा है। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ इमरान खान से, कुछ पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियाँ, कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही है? इसको कौन को इत्मीनान मिल गया? शेख रशीद ने नया इंकशाफ कर दिया, नून लीग पिंडी बॉय की बात तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्होंने कभी NRO की बात नहीं की, कभी किसी सहूलत की बात नहीं की, वो अपने मौके पर कायम है। शेख रशीद को मैं कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता है। वफाकी वजीर इत्तलात ने हुकूमत की पॉलिसी बता दी। वजीर खारजा कहते हैं कि हुकूमत का किसी से डील का इरादा नहीं। कोई डील नहीं है, ना डील थी ना डील है। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में डील हो रही है, माजी में दस्तो ग्रेबा होने वाली जमातें एक हो रही हैं। सहाफी मुश्किल में है, हमारे साथ कंधा मिलाए मिलकर हुकूमत गिराए। पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने सहाफियों से मदद मांग ली। शाह महमूद कहते हैं सहाफियों का काम हुकूमत गिराना नहीं रिपोर्टिंग करना है। बिलावल भुट्टो की कराची प्रेस क्लब आमद पर सहाफियों के हक में नारे लग गए। सहाफियों के हालात पर सियासत, कश्मीर कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ अली जरदारी अपनी मुश्किलात का जिक्र करते करते सहाफियों की मुश्किलात पर आए, धीरे से मुस्कुराए और पेशकश कर दी कि कांधे से कांधा मिलाएं, आए के मिलकर हुकूमत गिराएं। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज्यादा हैं, आपको उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं, आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह।
आप हमारे साथ कंधा लगाएं इस हुकूमत को गिराने के लिए, हम आपके साथ कंधा लगाते हैं। इस पेशकश पर शाह महमूद कुरैशी से मुल्तान में जो सवाल हुआ वो भी धीरे से मुस्कुराए और कहा कि सहाफियों का ये काम नहीं। ये वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। सहाफियों का काम हुकूमत, सहाफियों का काम ना हुकूमत बनाना है ना हुकूमत गिराना है, उनका काम रिपोर्टिंग करना है, ठीक है ना, वो करते हैं। इधर कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो प्रेस क्लब पहुंचे तो सहाफियों के लिए नारे लग गए। बिलावल भुट्टो ने इजहार यकजहती किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, बिलावल भुट्टो जरदारी आपके साथ खड़ा है, मैं बस कहना चाहूंगा कि कदम बढ़ाए मेरे सहाफी भाई बिलावल भुट्टो आपके साथ है। अब इसे सहाफियों पर सियासत कहें या सियासत पर सहाफत, रिपोर्टिंग मुश्किल है। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। साद रफीक कहते हैं नैब के पास कोई सबूत नहीं है। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान की छठी पेशी, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने पर मुलजिमों की मुश्किलात कम हो गयी। नैब ने एहतसाब अदालत से मजीद रिमांड की दरख्वास्त की जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दिया। पेशी के मौके पर साद रफीक ने दावा किया कि नैब के पास उनके खिलाफ कोई सबूत, अकाउंट या ट्रांजैक्शन नहीं। उन्होंने हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मिनी बजट आपने पेश किया है और आपने असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया है, तो ये मिनी बजट पास कराए बगैर आप इसे नाफिज करना चाहते हैं, इससे ज्यादा इलीगैलिटी कोई हो सकती है? मुलजिमान को 16 फरवरी को दोबारा एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पर इल्ज़ाम है कि वो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के मालकान में से हैं, जबकि मुलजिमान का दावा है कि सोसाइटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। सरगोधा के हल्का NA91 के 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग, गैर हतमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आमिर सुल्तान चीमा ने 12,028 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। हल्के में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। नून लीग के जुल्फिकार भट्टी 3134 वोट हासिल कर सके। आम इंतखाबात में नून लीग के जुल्फिकार भट्टी 87 वोटों से जीते थे। आमिर चीमा की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती हुई तो 20 पोलिंग स्टेशन के थैले खुले हुए पाए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग करवाने का फैसला किया था। इंसानी हकूक कमीशन ने सानिहा साहिवाल को मावराए अदालत कत्ल करार दे दिया। इस पर तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वाकये से पहले और बाद में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां देखी गई। साहिवाल में 4 अफराद की हलाकत, इंसानी हकूक कमीशन की टीम ने शवाहिद की रोशनी में रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कमीशन की टीम ने वाकये का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अफराद से मालूमात हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक काबिल एतमाद शवाहिद के बगैर शहरियों की जानें ली गयी। ऑपरेशन जिले पुलिस को आगाह किए बगैर किया गया। जीशान के दहशतगर्द नेटवर्क में मुलव्वस होने का कोई सबूत सामने नहीं आया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की नाकामी और पुलिस की संगीन गलती थी। रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गयी कि वार्निंग के बगैर पुलिस फायरिंग कतई बिला जवाज थी। मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात से बचने के लिए पुलिस के तरीकेकार में तब्दीली की अशद जरूरत है। अब आपको गुजरावाला से खबर दें, जहां पर 2 साल पहले कत्ल होने वाले नौजवान की कातिल उसकी सगी बहन निकली। इकराने दोस्त फरख के साथ मिलकर बशारत का गला काट दिया था। जुबैर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। भाई की कातिल सगी बहन, गुजरावाला के इलाके ठट्टा कुतबा में 2 साल पहले किसी ने तेज धार आले से बशारत का कत्ल कर दिया। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज थी। पुलिस की तफ्तीश के दौरान बहन इकरा ने जुर्म का एतराफ कर लिया। भाई मारता था इसीलिए दोस्त फर्रुख के साथ मिलकर पहले बेहोश किया फिर गला काट दिया। मैंने टेक्निकल तरीके से तफ्तीश की और मैंने असल मुजरिम जो है ना वो अपनी टीम के हमराह मिलके उनको पकड़ लिया। बेटे की मौत का सदमा क्या कम था कि बेटी कातिला निकल आई। घर वालों पर तो ये खबर कयामत बनकर गुजर रही है। इकरा और फर्रुख को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मोबाइल चोरी की दरखास्त देने पर मुलजिमान ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने भी दरखास्त गुजार को थाने ले जाकर बंद कर दिया। मामला क्या है देखते हैं शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में मोबाइल चोरी की शिकायत पर नौजवान की पिटाई। मुलजमान पाइप और डंडों से नौजवान को मारते रहे, कोई मदद को ना आया। चल चल चल।
पुलिस ने मुलजमान को पकड़ने के बजाय मुतासरा नौजवान को ही थाने में बंद कर दिया। लोगों ने बाप कैसरा के कुछ लोग उन्होंने मुझे दुकान से उठाया, गुजरा रोड से चंग रोड देकर मुझे मारते लेके गए। नौजवान थाने में मौजूद लेकिन SHO साहब मानने को तैयार नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये इससे पहले इनके कोई खातून है उनके साथ हुआ था, उसके बाद मैंने सुलह भी कर लिया आपस में। वसीम के वालिद ने भी इल्जाम लगाया कि पुलिस ने बिला वजह बेटे को पकड़ रखा है। उन्होंने मान फंड के बावजूद साडा बच्चा मुड़ के फड़ लिया सर, उन्होंने कोई पूछा ना दसिया ना, मेहनत कर रहे हैं साड़ी कुछ सुनते नहीं। समा पर खबर नशर होने के बाद आला अफसरान भी पेंसरा सिटी थाने पहुंच गए, एहलकारों की क्लास लगाई और बेकसूर नौजवान को रिहाई दिलवाई। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर और मरी में ज़मीन लरज उठी। जलजिले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। कराची में कम शिद्दत का जलजिला रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमीन लरज उठी। शाम के वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में जलजिले के झटके। जलजिले का मरकज कोए हिंदुकुश था और शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। चारसद्दा, एबटाबाद, हरिपुर, पेशावर और मरी में भी जलजिला आया। तकरीबन साल में एक दफा जो है वो 5.5 से लेकर 6 के दरमियान जो है एक ऐसा अर्थक्वेक है जो पूरे एरिया में उसे शेकिंग हो जाती है। और इसकी जो गहराई थी वही नॉर्मल एवरेज गहराई है जो 80 से लेकर 100 किलोमीटर के दरमियान जो है। कराची में सुबह के वक्त आने वाले जलजले की शिद्दत 2.9 थी और शाम 6:30 बजे लांडी और अतराफ में 2.8 शिद्दत का जलजला आया। बर्फबारी थम गई, नज़ारे दिलकश हो गए, लेकिन बालाई इलाकों में मकामी लोगों की जिंदगी भी लगता है जम के रह गई है। बर्फ में लिपटी वादियां, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। दीर के इलाके कुमराट में बच्चों को नई तफरीह मिल गई, एक दूसरे पर बर्फ की गोलाबारी शुरू कर दी। सड़कों पर फिसलन की वजह से ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना। एबटाबाद के इलाके गलियात में 3 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद का मरी से जमीनी राबता अब तक बहाल ना हो सका। नवाही इलाकों में रास्तों की बंदिश की वजह से मकामी अफराद महसूर होकर रह गए। मानसहरा से कागान तक बर्फ हटाकर शाहराए कागान ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बर्फबारी के बाइस बंद 8 राबता सड़कें बहाल की गईं। मलका कोसार में हालिया बर्फबारी के बाद मतला साफ हो गया, सर्दी मजीद बढ़ गई और दर्जा हरारत -6 तक पहुंच गया। आज़ाद कश्मीर में मौसम अबर आलूद है, कहीं धूप तो कहीं बादल छाए हुए हैं। बर्फबारी थमने के बाद मरी का मौसम खुशगवार हुआ तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी फैमिली के हमरा मलके कोहसार पहुंच गए। मरी में 2 रोज से जारी बर्फबारी थमने के बाद मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी फैमिली के हमरा मौसम एंजॉय करने और वीकेंड गुजारने मरी पहुंच गए। सदर आरिफ अलवी मरी एक्सप्रेसवे के रास्ते झिका गली से पंजाब हाउस पहुँचे हैं, जहाँ वो फैमिली के हमरा क़याम करेंगे। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन मुख्तसर वक्त के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, मजीद खबरें शामिल करते हैं। गैस के बिल 20,000 तक पहुंच गए, सारिफीन भड़क उठे, वजीर पेट्रोलियम ने खूब मशवरा दे डाला। गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल दिल जलाने आ जाते हैं। सर्दियों में गैस के बिलों ने सार्फीन के तन बदन में आग लगा दी। सोशल मीडिया पर बिल शेयर कर करके दुहाइयां देने लगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने जलती पर मजीद तेल छड़क दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, महंगी गैस खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते। गैस इस्तेमाल हुई है, वाकई उन्होंने न उसमें मीटर्स की कोई गलती, सिर्फ गैस का इस्तेमाल बढ़ा है और वो जो हाईएस्ट में आ गए। गुलाम सरवर का कहना था कि जिनके बिल ज्यादा आ रहे हैं वो किस्तों में अदा कर दें। एक बंदा उसका 20,000 बिल आया है और वो नहीं दे सकता बेचारा, तो ये उसे मैं रिलीफ ना कहूँ तो क्या कहूँ कि उसे यार 5 किस्तें कर दें, 4 किस्तें कर दें। वजीर पेट्रोलियम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सालाना 50 अरब रुपए की गैस चोरी हो रही है, जिसकी रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। जनवरी 2019 जनवरी 2018 जैसा बिल्कुल नहीं है, नया जनवरी बहुत महंगा हो चुका है।
दर्जनों अशियाई जरूरत महंगी हो चुकी हैं। गाय का गोश्त 3 किलो 85 रुपए महंगा हो गया, 370 से 457 रुपए तक हो गया। बकरे का गोश्त 855 से 930 रुपए प्रति किलो कर दिया गया। इस एक साल के दौरान मिर्चें कुछ और तेज हो गई और चीनी की मिठास कुछ और कम हो गई है। सुर्ख मिर्च के नर्ख 100 रुपए प्रति किलो बढ़े, जबकि चीनी की कीमत प्रति किलो में 7 रुपए इजाफा हुआ है, 57 से 64 रुपए की हो गई है। 400 ग्राम खुश्क दूध के पैकेट में भी 20 रुपए का इजाफा हुआ, 410 का हो चुका है। महंगाई ने तेल में भी आग लगाई है, मट्टी का तेल 17 रुपए महंगा हुआ, 120 से 137.50 रुपए लीटर हो गया। पेट्रोल 10 रुपए इजाफे के बाद 91.4 रुपए लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 90.37 रुपए से 107.15 रुपए लीटर किया गया। गैस की कीमतें 85% बढ़ी हैं, दवाएं भी 15% बढ़ी हैं और तालीमी सहूलियात 10% महंगी हुई हैं। लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पोलियो से पाक न हो सका। कबायली इलाके बाजोड़ में साल का पहला केस सामने आया। 11 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई, 3 माह में 6 केसेस रिपोर्ट हुए। तफसील बता रही है फरारा पानी। बाजोड़ में मोहलिक वायरस का एक और वार, 2019 का पहला पोलियो केस सामने आ गया। कबायली इलाके की तहसील खार में 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इलाके में 3 माह के दौरान सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। वजीर आजम के मौवन खसूसी बाबर बिन अता के मुताबिक गफलत बरतने पर इंसदादे पोलियो के 7 अफसरान को बरतरफ कर दिया गया। बाजोड़ में मसला ये है कि वहाँ पे गटर के पानी में जो है वो बतदरीज वायरस जो है वो नजर आ रहा था काफी अरसे से। बाबर बिन अता ने लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर बड़े शहरों के गटर के पानी में वायरस का इंकशाफ किया है। स्कूल हटाओ कारोबार चलाओ। कराची में सिविल अस्पताल के करीब सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा खत्म करके दुकानें बना दी गईं। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। स्कूल हटाओ दुकानें बनाओ। कराची में सिविल अस्पताल के करीब मलाला के नाम से मंसूब सरकारी स्कूल के बड़े हिस्से पर दुकानें बना दी गईं। अमला तो बेबसी की तस्वीर बने देखता रहा। समा ने बताया तो महकमा तालीम को होश आया। डायरेक्टर स्कूल कराची हामिद करीम ने एक्शन लेने का बता दिया। इसको डीसी को बता के इनकोर्समेंट को खत्म करवा देंगे। जिन्होंने इनकोर्समेंट की है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। स्कूल में 321 बच्चे देर तालीम हैं। वैसे तो इस वक्त शहर में तजावजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है, जबकि दूसरी जानब स्कूलों को गिरा कर यहाँ पर दुकानें तामीर की जा रही हैं, जो महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ फैसल खान, समा, कराची। बलूचिस्तान की बसें स्मगलिंग का जरिया बनती जा रही हैं। गैर कानूनी धंधा कैसे होता है, जानिए जैनुद्दीन की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की बसें स्मगलिंग का अहम जरिया बन गई। तफ्तान, मंजूर और तुर्बत से बरासता सड़क स्मगल किया गया सामान क्वेटा पहुँचाया जाता है। समा टीम क्वेटा के इलाके सरयाब रोड के गोदाम पहुंची, जहां सरहदी इलाकों से आने वाली बसों से सामान उतारा जा रहा था। कोई भी शख्स यहां मौकिफ देने को तैयार ना हुआ। पता नहीं है कि सामान वाली गाड़ी है कि सवारी वाली गाड़ी है, ये मुझे मालूम नहीं है कि ट्रक में सामान आएगा या इसमें आएगा। 95% स्मगलिंग का सामान जो है ना वो इन कोचेज में जाते हैं, बाकायदा उन्होंने बॉडीज में सीटों के नीचे जगह बनाए हुए हैं। कस्टम हुकाम ने हाल ही में रेल के जरिए स्मगलिंग की कोशिश भी नाकाम बनाई, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां बड़े माफिया के आगे बहुत छोटी साबित होती है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, क्वेटा। शामिल करेंगे हेडलाइंस लेकिन ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।